हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग सब ठीक है बच्चों तो पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक का स्टार्ट किया था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का ठीक है ना तो उस उसपे कुछ क्वेश्चन भी किए थे और ये देखिए आज इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन तो चलिए आइए साथ मिलकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है ना तो देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर यहां पर है पेंटागोन और एक है ऑक्टागोन ओके तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम थोड़ा सा कुछ डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ देखिए एक पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर इन साइडेड पॉलीगोन सपोज मान लीजिए ये तो पेंटागोन मतलब पांच साइड का पॉलीगोन ऑक्टागोन मतलब आठ साइड का पॉलीगोन ठीक है ना तो अगर हम जैसे मान लीजिए एक मतलब मतलब ये तो पता चल गया ना कि हाँ ये पांच साइड है और इसका आठ साइड है ठीक है ना अगर मान लीजिए इन साइडेड रेगुलर अगर पॉलीगोन आ जाए तो उसका एक्सटीरियर एंगल हम किस तरीके से फाइंड करेंगे देखिए उसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ इनसाइडेड इनसाइडेड रेगुलर ये आप ये आप लोग को लिखना है है ना ये आप लोग को लिखना अगर मान लीजिए इन साइड रहा ना पांच ना आठ ना पांच ना दस ना चार ना ना सात ठीक है ना मान लीजिए इन साइड रहा तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है उस क्या करना है थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइड बाई एन कर दो थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइड बाई एन कर दो तो जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा उस पॉलीगोन का एक्सटीरियर एंगल समझ में आ रही बात एन क्या है यहां पे एन है यहां पे नंबर ऑफ साइड्स ठीक है एन है यहां पे नंबर ऑफ साइड्स साइट को आप लोग लिखिए है, है ना उसके बाद अगर हम बात करें अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे बात करें पेंटागन की अच्छा पेंटागन में साइड्स कितने हो जाएंगे इसमें फाइव साइड्स हो जाएंगे कितने साइड्स हो जाएंगे पांच साइड्स हो जाएंगे ठीक है ना तो इसके एक्सटीरियर एंगल की हम बात करें एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन फाइव यानी कि ये देखो कितना बार में ये सात और ये टू यानी कितना आ गया 72 डिग्री ये एक्सटीरियर एंगल आ गया तो देखो पेंटागोन का अगर हम डायग्राम बनाए एक दो तीन चार एक मिनट एक मिनट एक मिनट ऐसे नहीं नौ... पांच साइड का है ना ये देखिए, ठीक है हो गया एक दो तीन चार पांच ठीक है ना तो इस, इसका जो एक्सटीरियर एंगल देखिए ये हो गया इंटीरियर एंगल और इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दो ऐसे तो हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल ठीक है ना तो इसका एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूले से कितना आ गया सेवेंटी टू डिग्री तो देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है पूरा लीनियर पेयर तो ये कितना हो जाएगा वन जीरो एट डिग्री है ना तो इसका इंटीरियर इंटीरियर एंगल कितना आ गया इसका इंटीरियर एंगल जो है वो आ गया हमारे पास 108 डिग्री ये तो हो गया डिग्री में अब इसको रेडियन में कैसे करेंगे तीन दिन से लगातार यही पढ़ रहे हैं। रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको इसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे सिंपल क्या करना है सेवेंटी को पाई बाई वन से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो जो आएगा वही क्या होगा रेडियन कन्वर्जन होगा देखो ये खत्म यानी कि ये कितना हो जाएगा सेवन पाई अपॉन एटीन रेडियन ठीक है ना उसी तरीके से इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इस इंटरनल एंगल को तो क्या करना पड़ेगा पाई बाई एक सौ अस्सी में मल्टीप्लाई कर दो एक सौ आठ को जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा रेडियन वैल्यू आ जाएगा कर लेंगे आप लोग बहुत आसान है सिंपल सिंपल क्या करना है रिड्यूस करना है इसको हो जाएगा आगे बढ़े हम ठीक है अब आते हैं ऑक्टागोन तो ऑक्टागोन का मतलब क्या होता है इसके साइड्स कितने होते हैं ऑक्टागोन के आठ साइड्स होते हैं ठीक है ना ओके अच्छा एक चीज मुझे बताइए ये जो ये हम जो पोलिगोन की बात कर रहे हैं पेंटागोन या इनके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल ये हो गया एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होगा डिग्री के बराबर होगा तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल पता चल जाए तो इंटीरियर एंगल फाइंड इजिली कर सकते हैं क्या करना है सीधा उसको एक सौ अस्सी से क्या कर दो माइनस कर दो अब बार बार हम ये यह चीज यहां पर नहीं करेंगे अब यहां पर डायरेक्ट कैसे करना है देखो सीधा इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय एट तीन डिग्री डिवाइड बाई कितना बार में कट होगा देखो ये चार और ये पांच ये कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री तो एक्सटीरियर एंगल इसका फोर्टी फाइव डिग्री आ गया तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा वन हंड्रेड एटी माइनस फोर्टी फाइव करो कितना आएगा पांच 135 डिग्री इंटीरियर एंगल अब इसका कहा गया रेडियन uh, मेजरमेंट कर लो पहले एक्सटीरियर एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा देखो एक्सटीरियर एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करो तो क्या करना पड़ेगा सिंपल पाई बाई एक 180 से मल्टीप्लाई कर दो किस में? 45 में समझ so, में आ रही बात अब देखो ये कितना बार में कट होगा थर्टी सिक्स फाइव जा और ये नाइन फाइव जा इनफैक्ट ये चार बार में कट हो यानी कि कितना हो जाएगा ये पाई बाई फोर अच्छा अगर इंटीरियर एंगल को कन्वर्ट करें हम रेडियन में ये तो था एक्सटीरियर एंगल ये था एक्सटीरियर एंगल देखो इंटीरियर एंगल को रेडियन में अगर कर कन्वर्ट करें तो क्या करना पड़ेगा हमको चुपचाप कितना है एक डिग्री है ना तो इसको पाई बाई वन एटी को मल्टीप्लाई कर दो वन थर्टी फाइव से ठीक है तो ये कितना बार में कट होगा थर्टी सिक्स फाइव जा और ये ट्वेंटी सेवन फाइव जा हाँ और ये नाइन थ्री जा ये ट्वेल्व थ्री जा थ्री थ्री जा फोर थ्री जा यानी कि थ्री पाई बाई फोर आएगा इसका क्या रेडियन फॉर्म तो ये था बच्चों ठीक है ना क्वेश्चन को लिखिए पॉज कीजिए आराम से इसको लिखिए देखिए एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ठीक है ना तो चौदह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा दे, यहाँ पर क्या बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच बीच का एंगल बताना नाइन क्लॉक घड़ी में पहला है टेन पास्ट इलेवन अच्छा टेन पास इलेवन का मतलब होता है ग्यारह बज के दस मिनट समझ में आ रही है बात इन सेम वे ट्वेंटी पास इल... सेवन मतलब सात बज के बीस मिनट ठीक है ना तो देखो ध्यान से हम छोटा सा अगर यहां पे घड़ी बना ले, यहां पे अपने सुविधा के लिए बारह एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस और ग्यारह और बोल क्या रहा है यहाँ पे कि ग्यारह बज के दस मिनट यानी कि ग्यारह बज के दस मिनट यानी कि कहीं ना कहीं एग्जैक्ट जो हमारा आवर हैंड है एग्जैक्ट ग्यारह पर ना हो के थोड़ा सा ग्यारह से इधर होगा और दस बज के मतलब जो हमारा मिनट हैंड है वो एग्जैक्ट एकदम पे होगा अब कि इनके बीच का हमें बताना है ठीक है तो देखो हम एक सबसे पहले एक चीज तुमको बताना चाहते हैं कि ये जो गैप दिख रहा है ये गैप 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 पूरे कितने नंबर है बारह नंबर है अगर एक कोई मान लो कोई एक अगर सुई चाहे आवर का हो या मिनट का हो यहां से स्टार्ट करता है चलना और पूरा कंप्लीट हो गया घूम के अगर यहां वापस आ जाता है तो कितना एंगल पूरा कवर करता है वन कंप्लीट रेवल्यूशन में कितना एंगल कवर करेगा 360 डिग्री पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन में कंप्लीट करेगा ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एंगल कंप्लीट करेगा ये 360 डिग्री अच्छा टोटल नंबर कितने हैं 12 तो 360 को अगर हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 30 डिग्री और ये जो 30 डिग्री वो क्या है दो नंबर के बीच का एंगल जैसे 12 के बाद 1 तो 12 और 1 के बीच का एंगल कितना होगा 30 डिग्री जैसे दो एक और दो एक और दो के बीच का होगा थर्टी डिग्री दो और तीन जैसे मान लो कोई एक घड़ी थोड़ा सा देखो इसका मतलब क्या हुआ जैसे मान लो कोई एक सुई बारह पे है और एक सुई कहां पे है एक पे है ठीक है ना तो देखो ये बारह पे और एक एक, एक पे एक्चुअली ये ऐसा होगा नहीं है ना क्योंकि अगर ये एक पे है और ये बारह पे तो थोड़ा सा बारह सीधे मैं तुम्हें बता रहा हूं ठीक है ना तो इनके बीच का जो एंगल होता है ना वो कितना होता है थर्टी डिग्री होता है समझ में आ रही बात ठीक है ना तो ऐसे लेकर के हम क्या करेंगे मतलब हर एक गैप दो नंबर के बीच का गैप के बीच में कितना एंगल बनेगा सेंटर से थर्टी थर्टी डिग्री समझ में आ रही है बात ना ओके पर हमारा क्वेश्चन क्या है अब इस जो मैं बोला इस चीज को ध्यान रखना अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि ग्यारह बज के दस मिनट मिनट हैंड तो एग्जैक्ट एकदम दो पे होगा और आवर हैंड एग्जैक्ट एगारह पे नहीं होगा तो मुझे बताओ चलो ठीक है मान लेते हैं कि जो हमारा आवर हैंड है वो कहां है आवर हैंड जो है वो एग्जैक्ट ग्यारह पे है तो एग्जैक्ट ग्यारह से लेके एग्जैक्ट दो के बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा होगा देखो तीस तीस साठ तीस नब्बे मतलब टोटल एंगल बिटवीन 11 एंड टू ठीक है ना इसके बीच का एंगल पूरा कितना बन रहा होगा ये है पूरा अभी जोड़ा तीस प्लस तीस प्लस तीस कितना जाएगा नब्बे डिग्री ठीक है ना अच्छा तो ये कब होता जब ये ये सुई एग्जैक्ट 11 पर होता और ये टू पे होता पर ये एग्जैक्ट इलेवन पे है क्या यहाँ पे नहीं इलेवन पे नहीं इलेवन से थोड़ा सा हल्का सा इधर है समझ में आ बात ना हल्का सा इधर है अच्छा अब मुझे एक बात बताओ ध्यान देना अगर ये ये जो मिनट का मिनट हैंड का जो सुई है मिनट हैंड का जो सुई है अगर ये पूरा 60 मिनट घूम मतलब 60 मिनट अगर ये मतलब साठ मिनट में जब ये साठ मिनट कंप्लीट करता है तो आवर हैंड जो है कितना मूव करता है अब जैसे मान लो यहां पर देखो रफ के हम बना रहे हैं ठीक है ना ये बारह है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एक नटों को अभी तुमको समझाते हैं एक चीज चल चलो यहीं पे बताते हैं अब जैसे मान लो हमारा जो आवर का हैंड है यहां पे है और मिनट हैंड भी यहीं पे है

जब ये मिनट हैंड यहां से घूमना स्टार्ट करके साठ मिनट पूरा घूम के जब वापस आएगा तो ये आवर हैंड कितना घूमेगा ये आवर हैंड भी घूम के एग्जैक्ट एकदम बारह यानी कि जब मिनट हैंड साठ मिनट कवर कर रहा है जब मिनट जो जो मिनट का जो सुई है साठ मिनट कवर कर रहा है मतलब साठ मिनट है ना पूरा घूम के जब साठ मिनट टाइम ये मतलब कवर कर रहा है तो ये जो आवर का जो सुई है कांटा आवर का जो कांटा है वो कितना डिग्री एंगल कवर कर रहा है तीस डिग्री एंगल कवर कर रहा है दिख रहे हो यानी कि मिनट हैंड मिनट हैंड आ, एक मिनट ऐसे लिख सकते हम आवर हैंड कवर थर्टी डिग्री इन सिक्सटी मिनट जो जो हमारा आवर हैंड जो है मतलब जो घंटे की सुई है वो तीस डिग्री कवर मतलब तीस डिग्री कवर कर रहा है साठ मिनट में यानी कि न्यूट्री मेथड लगा सकते हैं क्या देखो अब हमारा जो क्वेश्चन है अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा देखो क्या होगा अब ये एग्जेक्ट यहां पे नहीं होके कहाँ होगा ये यहां पे होगा और ये एकदम यहां होगा ठीक है ना अच्छा साठ मिनट में मतलब मिनट मिनट में में कितना कवर कर रहा है डिग्री जो आवर मतलब जो घंटे की सुई है वो कितने कितना डिग्री कवर कर रहा है थर्टी डिग्री तो एक मिनट में जो घंटे की सुई है वो कितना कवर करेगा थर्टी अपॉन सिक्सटी डिग्री यानी कि वन बाई टू डिग्री ठीक है ना लेकिन यहां पे देखो तो दस मिनट एक्स्ट्रा कवर हो रहा है ना ये अभी कितना हो रहा है ग्यारह के दस मिनट हो रहा है तो टेन मिनट में टेन मिनट में जो आवर हैंड है कितना एंगल कवर किया होगा तो चुपचाप क्या करना है वन बाई टू इंटू टेन वन बाई टू में टेन से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये पांच डिग्री यानी कि दस मिनट में कितना ये एंगल थोड़ा सा एग्जैक्ट इलेवन पे नहीं हो गया हल्का सा कितना इधर गया ये पांच मिनट इधर गया ठीक है ना यानी कि एग्जैक्ट नहीं है ग्यारह से थोड़ा सा पांच डिग्री ये इधर है है ना ओके तो दस मिनट में एक्स्ट्रा पांच डिग्री एंगल इधर कवर कर गया होगा अच्छा एग्जैक्ट एग्जैक्ट इलेवन और टू के बीच में कितना एंगल है नाइनटी डिग्री है और इलेवन जो है ये घंटे का सुई हल्का सा पांच डिग्री इधर मूव कर गया है तो एग्जैक्ट जो एंगल होगा ग्यारह बज के दस मिनट पे आवर एंड मिनट हैंड में क्या होगा तो जो टोटल नाइनटी डिग्री है उसमें से पांच क्या कर दो माइनस कर दो टोटल नाइनटी में से क्या कर दो पांच माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा एट्टी फाइव डिग्री एंगल होगा किसके बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कब ग्यारह बज के दस मिनट पे समझ में आ रही है बात इन द सेम वे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें क्या है क्वेश्चन में ट्वेंटी पास्ट सेवन मतलब सात बज के सात बज के बीस मिनट सात बज के बीस मिनट ठीक है ना चलो इसके लिए भी बना लेते हैं एक छोटा सा घड़ी बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह ठीक ना? और है ना टाइम कितना हो रहा है? सात बज के बीस मिनट पांच दस पंद्रह बीस यानी कि जो मिनट हैंड है एग्जैक्ट कहाँ रहेगा चार पे रहेगा अच्छा ये चार पे रहेगा और जो आवर हैंड है एग्जैक्ट सेवन पे नहीं रहेगा सेवन से थोड़ा सा आगे रहेगा सात से थोड़ा सा किधर रहेगा आगे रहेगा ठीक है ना ओके अब देखो अच्छा सात के बीस मिनट ठीक है तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि जो हाँ ठीक है थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि जो एंगल है मिनट और आवर के बीच में हम मान लेते अगर अगर ये आवर हैंड एग्जैक्ट साथ पे होता एग्जैक्ट कहां होता साथ पे होता है ना एग्जैक्ट अगर साथ पे होता तो कितना एंगल बन रहा होता कितना एंगल बन रहा होता देखो दो नंबर के बीच में कितना एंगल होता है तीस डिग्री होता है तो एग्जैक्ट अगर ये साथ पे हो रहा होता इफ आवर हैंड एट एग्जैक्टली ऑन सेवन देन एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड कितना हो जाता तीस साठ नब्बे कितना हो जाता यहां पर नब्बे डिग्री एग्जैक्ट नब्बे डिग्री हो जाता समझ में आग्जेक्ट कितना हो जाता नब्बे डिग्री हो जाता ठीक है ना तो अब देखो यहां पर जो आवर हैंड है एग्जैक्ट सेवन पे नहीं है सात से थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा सा मतलब सात से थोड़ा सा आगे है, है ना तो देखो ध्यान से यानी कि जो मिनट और आवर के बीच का जो एंगल है तीस साठ नब्बे वो भी क्या होगा नाइनटी से थोड़ा सा आगे होगा कितना आगे होगा चलो पता करते हैं अब ये आवर हैंड जो है देखो आवर हैंड जो है कितना पांच दस पंद्रह बीस एग्जैक्ट मतलब बीस मिनट बाद कितना एंगल मूव किया होगा अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे साठ मिनट में जो हमारा आवर हैंड है थर्टी डिग्री मूव करता है तो एक मिनट में जो हमारा आवर हैंड है वो कितना मूव करेगा थर्टी अपॉन सिक्सटी यानी कि वन बाई टू डिग्री ठीक है ना तो बताओ 20 मिनट में जो हमारा आवर हैंड है वो कितना मूव करेगा One by two into 20. यानि कि ये देखो दस बार में कर extra करेगा? 10 डिग्री एक्स्ट्रा मूव किया होगा यानी कि ये यहां से दस डिग्री एक्स्ट्रा मूव किया होगा ठीक है ना तो एग्जैक्ट जो एंगल होगा मिनट और आवर के बीच में सात बज के बीस मिनट पर कितना होगा देखो तीस दो नंबर के बीच में कितना एंगल होता है तीस डिग्री होता है साठ नब्बे और एक्सट्रा कितना किया? दस तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा आवर और मिनट के बीच में नाइन्टी प्लस दस यानी कि कितना हो जाएगा ये हंड्रेड डिग्री बोलो बात समझ में आई ठीक है ओके चलो ठीक है मिलते हैं अब अगले क्लास में अगले अब इसका एक्चुअली इसमें टोटल हम देखे तो दो एक है ठीक है ना तो बच्चों जितना अब तक हम तुमको बताए हैं ये सब चीज बिना देखे एक बार सॉल्व कीजिएगा ठीक है तो हम अब मिलते हैं अगले क्लास में ठीक है तब तक चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए थैंक यू